हेलो एवरीवन, हम आज आपके साथ में हैं। अपन सॉफ्टवेयर है, होटल सॉफ्टवेयर प्री होटल के नाम से, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। पहले स्टार्ट करते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर का EXE है। इस पर लॉगिन करने के लिए आप अपने यूजर नेम पासवर्ड का यूज करेंगे। लॉगिन से स्टार्ट करते हैं। जो भी लॉगिन डिटेल्स है उससे लॉगिन करेंगे आप। जैसे हमारा जो डिटेल्स है उससे मैं लॉगिन करता हूँ आपको। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आपके सामने होगा। अब डैशबोर्ड में आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ज्यादातर जो ऑप्शंस हैं आपको डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएंगे, जो डेली यूज में है या नॉर्मल आप यूज करेंगे उनको। तो ये देखी जाए तो वे बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। आपको ज्यादा अंदर जाके या जो ऑप्शंस हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज आपको इसमें गाइड करूंगा, जैसे चेक इन और चेकआउट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में। देखिए, चेक इन के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपके कोई भी गेस्ट आते हैं, जो वॉक इन आते हैं, उनके लिए चेक इन प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिजर्व्ड जो गेस्ट होते हैं, जिनका ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है, उनका चेक इन कैसे करते हैं, वो इसमें मैं आपको आज गाइड करूंगा। तो जैसे इसमें आप वॉक इन चेक इन के लिए पहले अपने स्टार्ट करते हैं। वॉक इन चेक इन के लिए आप रिसेप्शन जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे, चेक इन पे क्लिक करेंगे। चेक इन के क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको गेस्ट की डिटेल्स फिल करनी रहेगी। मैं आपको गेस्ट की डिटेल फिल करके एक बार डेमो के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो भी गेस्ट टाइटल है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मिस्टर या मिसेज है, जो भी है। गेस्ट का नाम मैं यहाँ पे टेस्ट दे देता हूँ। गेस्ट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो आपको इजी रहेगा। बाद में अगर आपका गेस्ट रिपीट होता है तो इससे हिस्ट्री लिंक करने के लिए आपको इजी रहता है। अगर गेस्ट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे गेस्ट का ईमेल आईडी आप डालेंगे। अब जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर गेस्ट का एड्रेस आ गया। जिप कोड, अब नेशनलिटी सिलेक्ट करना चाहे तो नेशनलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अराइवल फ्रॉम, डिपार्चर फ्रॉम, जो बेसिक डिटेल्स है आप यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेट है, सिटी है, पर्पज ऑफ विजिट है। अगर गेस्ट का GST नंबर है आपके पास में या उनको बिल पे उनके GST नंबर चाहिए तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। बिजनेस सोर्स, आपके होटल में किन के सोर्स हैं, अगर वो जैसे आपके सेल्स पर्सन हैं या आपके GM हैं या आपके अदर कोई जो बिजनेस आपको जहाँ से आपको रिसीव होता है वो उनसे आपको बिजनेस रिसीव, उनका सोर्स डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मार्केट सेगमेंट आप डाल सकते हैं। आप मार्केट जो डिवाइड करते हैं, जैसे DVC जा रहा है, FIT है या GIT है या MIC है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट, अगर कंपनी नाम GST नंबर आप यहाँ पे डालना चाहें तो आप एड इन्फो पे जाके आप गेस्ट का कंपनी सिलेक्ट करके आप उसके कांटेक्ट पर्सन जो भी है, कंपनी का एड्रेस क्या है, जो भी डिटेल है आप यहाँ फिट कर सकते हैं, जो आपको बिल पे आपको शो करने के लिए। फिर आप जिस रूम में आपको चेक इन करना है वो रूम नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सारे रूम जो आपके अवेलेबल रहेंगे सेल करने के लिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं एक रूम नंबर यहाँ से ले देता हूँ, 106। आप ये जैसे 106 आप सिलेक्ट करेंगे, टाइप रूम टाइप आपका सिंगल है कि डबल है। आप नेक्स्ट आपको प्लान जो यहाँ पे है, EP है या CP है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप। रूम टेरिफ आपने अगर डिफॉल्ट जो सेट कर रखा है, आपकी रैक रेट है, वो यहाँ पे शो होगी। बट इन केस आप इसमें से कम या ज़्यादा आप सेल करते हैं तो आप यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। फूड चार्जेस, अगर आपके कुछ चार्ज कर रहे हैं उनको आपके रूम रेंट में से, वो है। अगर आप एक्स्ट्रा बेड के साथ में सेल कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा बेड एक डाल के यहाँ पे उसका चार्जेस भी आप डाल सकते हैं। डिफॉल्ट यहाँ पे 300 रुपये चार्ज डाले हैं, बट जरूरी नहीं है आप इसको रखें, ये 300 रखें। आप एज पर आप जैसे आप सेल करते हैं उस पर आप चेंज कर सकते हैं। जो आपका टेरिफ है वो अगर टैक्स इंक्लूड है उसमें,
बता देता हूँ, अगर टैक्स इंक्लूड है तो आप इंक्लूसिव पे क्लिक करेंगे तो आपका 1200 रुपये इंक्लूसिव ऑफ टैरिफ हो जाएगा। अगर एक्सक्लूड है टैरिफ तो यहाँ 1200 रखेंगे तो उसको प्लस टैक्स सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कैश है या BTC है या क्रेडिट कार्ड है। फिर आप सेव पे क्लिक करेंगे चेक इन करने के लिए। ये आपको वहां उस टाइम पे पहुंचेगा कि दूसरा रूम भी आपको चेक इन करना है तो आप चेक इन कर सकते हैं, तो इस पे रखेंगे नो। आपका रूम चेक इन हो गया है, आप उसको देखना चाहेंगे तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। आपके डैशबोर्ड पे सारे रूम्स जो चेक इन है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वो रेड कलर में शो होंगे, जैसे अपने चेक इन किया था 106। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस रूम की डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने नाम दिया था टेस्ट EP प्लान था, वो 106 रूम नंबर है, ये यहाँ पे शो हो जाएगा। जो रूम आपके डेट या जो अराइवल में हो, जिनको अराइवल को दे सकते हैं आप, जो रेडी रूम्स है वो इस कलर में शो होंगे, ग्रीन कलर में। इनका सभी का कलर का है, नाम का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे रूम चेक इन कर दिया, उसको चेकआउट करने के लिए, जैसे अपने इसी रूम को चेकआउट करने के लिए, चेकआउट का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। चेकआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूम नंबर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अपना रूम नंबर 106 था। ये आपके रूम के चार्जेस आ गए यहाँ पे, ये रूम के चार्जेस हैं, ये उसमें टैक्स हो गया, टोटल अमाउंट आपका 1200 रुपीज हो गया। इसको आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। इसमें चेकआउट में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हो, जैसे आपने चेक इन करने के टाइम में आपने 1200 रुपये लगाया था, तो बाई मिस्टेक लेकर उसके 1300 रुपये थे, आपसे 1200 रुपये लग गई, तो आप चेंज टेरिफ भी कर सकते हैं। आज जैसे आपको चेकआउट आ रहा है आपका रूम, अगर उसका चेकआउट डेट आप चेंज करना चाहें तो चेंज डेट भी कर सकते हैं। और कोई और चार्जेस आप पोस्ट करने हैं, जैसे ट्रेवल टैक्स के या अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट या एक्स्ट्रा बेड के, आपको यहाँ बिल ओपन करके पोस्ट अदर सर्विसेज में जाके आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास सामने बिल ओपन होगा। मेरे यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा बिल ओपन होने में टाइम ले रहा है। नॉर्मली इतना टाइम होता नहीं बिल ओपन होने के लिए, जस्ट आप जैसे क्लिक करेंगे बिल ओपन हो जाता है। ये बिल आ गया, यहाँ पे आपका होटल का नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, उनका GST नंबर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे आप होटल का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आप गेस्ट के नाम, उसके GST नंबर, ये डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आपका टैरिफ का डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपकी इतना रेट हो गया, इतना CSGST हो गया, इतने SGST होगा, टोटल अमाउंट पेबल 1200 रुपीज, ये आपका बिल हो गया गेस्ट का। ये आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद में जैसे आप उसके बिल चेकआउट करने के बाद में सेटलमेंट में जाएंगे तो चेकआउट के नीचे सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो बिल नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, बिल नंबर सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पर पेमेंट मोड आप चूज कर सकते हैं, जो भी पेमेंट रहेगा कैश रहेगा कार्ड रहेगा BTC रहेगा, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे आप BTC पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप लेजर में आपको जिस कंपनी को आपको बिल टू कंपनी है वो आप सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा नीचे, या कैश में करते हैं तो आप यहाँ पे कैश का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैश में करके आप सेव करेंगे तो आपको पेमेंट जो है उस कैश में रिसीव हो गया, और आपको जो कैश कलेक्शन आएगा उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो एक प्रोसीजर जो मैंने बताया आपको, जैसे वॉक इन चेक इन होता है, उसको चेक इन करने से लेके चेकआउट तक का प्रोसीजर है। सेकेंड जो चेक इन का प्रोसेस होता है वो होता है रिजर्वेशन चेक इन, जैसे किसी भी गेस्ट का या तो आपको बुकिंग बनाना है, और बुकिंग बनने के बाद में जब आपको चेक इन हो जाएगा उसके बाद में चेकआउट करना है, तो बुकिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे रूम बुकिंग बनाने के लिए, आगे की डेट के लिए आपको बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप उसमें
जो ऑप्शन है इसे प्रिफर्ड बाय में आएगा वो जो कंपनी है, जैसे ऑनलाइन है तो कंपनी है मैकमेट्रिक बॉय वो है, या आपके ऑफलाइन है तो कोई आपकी कॉर्पोरेट कंपनी से उनका नाम है, आपको यहाँ नाम आपको सेव जो भी सेव करेंगे वो यहाँ पर कंपनी डिटेल्स में शो हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप गेस्ट नेम में जैसे वो डालेंगे, मैं यहाँ पे आप टेस्ट दे देता हूँ नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर से आपको इजी रहता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप गेस्ट विजिट करेंगे तो आप हिस्ट्री लिंक कर सकते हैं, उनका डिटेल बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, जो बेसिक डिटेल आपको फिल करनी रहेगी, नंबर ऑफ नाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक दो नाइट जो भी बुकिंग से, और किस डेट के लिए आप बुकिंग बनाया है वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आज की डेट के बुकिंग बनानी है तो आज की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे की बनानी है तो आगे की। नंबर ऑफ नाइट है, नंबर ऑफ रूम्स है, कैटेगरी जो भी कैटेगरी आपकी अवेलेबल है वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप रूम टाइप सिंगल डबल जो भी है आप चूज कर सकते हैं, प्लान जो भी आपका ईपी है या सीपी है या एमएपी है या एपी प्लान है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रूम टैरिफ में आप वही जैसे मैंने आपको चेक इन के लिए उसमें भी बताया था कि टैरिफ में आप यहाँ पे अगर इंक्लूडिंग है तो आप इंक्लूडिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर इंक्लूडिंग नहीं है तो आप ऐसे रहने देंगे, जैसे टोटल अमाउंट आपको बुकिंग का आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे दो नाइट्स की बुकिंग है, नंबर ऑफ नाइट्स से आप दो सेलेक्ट किया, दो नाइट्स के लिए 3808 है। अगर आप इसे इंक्लूसिव पे क्लिक करते हैं तो दो नाइट के लिए आपको 3400 रुपीज़, और यहाँ पे आपको फिर बुकिंग का स्टेटस है, अगर बुकिंग कन्फर्म्ड है टेंटेटिव है आप यहाँ पे कन्फर्म कर सकते हैं, कंफर्म है तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में शो होगी, अगर आपने यहाँ पे कंफर्म या टेंटेटिव डालते हैं तो आपको रिजर्वेशन होगा वहाँ पे, लेकिन आप रिजर्वेशन डिटेल में आपकी बुकिंग रूम ब्लॉक नहीं होंगे, टोटल रूम्स अवेलेबल में से आपके रूम्स माइनस नहीं होंगे अगर आप कंफर्म नहीं रखते हैं। इसमें सेव करेंगे, यहाँ पे ना कंपनी का नाम है कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में उस इसमें जैसे कि ऐड नहीं किए हुए हैं अभी कंपनी नाम, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कंपनी यहाँ पे कंपनी नाम ऐड कर सकते हैं आप, जैसे नीचे न्यू एजेंट या न्यू कंपनी आप यहाँ से ऐड करेंगे, कोई भी कंपनी का नाम दे दीजिए, जैसे मेक माई ट्रिप आपने दे दिया, यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी रहेगी, कंपनी है या ट्रेवल एजेंट है या लोकल एजेंट है आपके, यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब से आप कंपनी में जाके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेक माई ट्रिप आ जाएगा कंपनी के अंदर सेलेक्ट करने के लिए, फिर आप सेव करेंगे तो ये आपके जो आज के अराइवल है, जैसे डेट आपने आज की चूज की थी तो आज के अराइवल है उसमें आपको ये शो होगा। इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड अराइवल में एक रूम आ रहा है यहाँ पे, और इसको चेक इन करने के लिए आप रिजर्वेशन डिटेल पे जाएंगे, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी चेक इन कर सकते हैं, चेक इन पे क्लिक करेंगे आपको तो आपके पास फॉर्म फिल हो जाए ओपन हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए आप जब सेव करेंगे आपको रूम नंबर पूछेगा कौन से रूम नंबर में आप चेक इन करना चाहते हैं, तो आपको जो भी रूम अवेलेबल होंगे चेक इन करने के लिए वो नंबर ऑफ रूम से यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे आपको 115 जैसे चेक इन करना है, सेव करेंगे
तो यहाँ पे चेक इन में से ही आपका हट जाएगा और रूम ऑक्यूपाइड में आ जाएगा। यहाँ पे अराइवल में से भी आपका रूम हट जाएगा और आपके जो चेक इन रूम से इनमें से हो जाएगा। चेकआउट का प्रोसीजर सेम ही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप चेकआउट के ऑप्शंस में जाएंगे, रूम नंबर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अपन चेक इन किया था 1005 में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 1700 रुपीज़ अपने टेरिफ लगाया था प्लस टैक्स में लगाया था, तो 1700 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। 1700 रुपीज़ है टैक्सेस ये लगेंगे, टोटल अमाउंट ये हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको वॉकिंग चेक इन में जो ऑप्शंस बताएंगे सारे ऑप्शंस वही अवेलेबल है। चेंज टेरिफ करना है तो ऑप्शंस है, चेंज डेट करनी है या पोस्ट अदर सर्विसेज करनी है, कोई भी जो अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट या ट्रेवल डेस्क का कोई भी सर्विसेज आपको पोस्ट करनी है इस बिल में, तो पोस्ट अदर सर्विसेज में जाके आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शंस वही है, चेकआउट के लिए आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट बिल के लिए आप क्लिक करेंगे, जैसा पहले टाइम लग रहा था इस बार टाइम नहीं लगा क्योंकि वो प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो कई बार टाइम लग जाता है बिल ओपन होने में, तो ये आपको बिल ओपन हो जाएगा। आपको टैरिफ आ गया, उसमें CGST SGST टोटल अमाउंट आ गया 1904, ये आपको पेबल अमाउंट है गेस्ट का। और फिर जैसे चेकआउट करने के बिल प्रिंट करने के बाद में आप बैक करेंगे, चेकआउट सेटलमेंट में जाएंगे, सेटलमेंट में आपको रूम बिल नंबर सिलेक्ट करना रहेगा, इस बिल नंबर इस पे क्लिक करेंगे, अपना रूम नंबर 1005 था, कोई पेमेंट मोड में BTC है या कैश है, क्रेडिट कार्ड है। BTC जैसे अपने कंपनी ऐड की थी तो इस बार आपको BTC में कंपनी से होगी। आप जितने भी लेजर वहाँ पे ऐड करेंगे, BTC पे क्लिक करेंगे तो सारे लेजर आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे, कौन से लेजर में आपको सेटल करना है। तो इसे मैं एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिमार्क्स अगर कुछ डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर आप जैसे जो सेटलमेंट का आप रिसिप्ट प्रिंट करना चाहें तो भी ऑप्शन आपके सेटलमेंट की रिसिप्ट यहाँ पे प्रिंट होती है, चाहे वो केस की हो चाहे BTC हो या क्रेडिट कार्ड हो, यहाँ पे आपको सेटलमेंट के लिए आपकी रिसिप्ट ओपन होती है। ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया चेक इन करने के, जो दो ऑप्शन है चेक इन के लिए, वॉक इन चेक इन एंड रिजर्वेशन चेक इन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये।